इंसान एक बार अगर धोखा खा जाता है तो फिर वो इतनी जल्दी किसी और पे भरोसा नहीं करता है पर वही इंसान अगर दूसरी बार भी धोखा खा जाए तो फिर वो किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चली जाती है लेकिन असलीत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है नमस्कार आदाब मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ दरअसल ये घटना है मुंबई प्रदेश की मुंबई का एक शहर पड़ता है पूना और इसी पूना का एक थाना पड़ता है देहू रोड देहू रोड थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है आदर्श नगर कॉलोनी और इसी आदर्श नगर कॉलोनी की रहने वाली रेखा सिलवंत रेखा के पति बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं रेखा की दो बेटियाँ हैं जिसमें बड़ी बेटी का नाम रेशमा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल छोटी बेटी का नाम प्रिया प्रिया जिसकी उम्र है लगभग 21 साल बात कर रहा हूँ मैं 25 सितंबर 2020 की रात्रि के करीब बारह बजे के आसपास रेखा और उसकी बड़ी बेटी रेशमा रोते बिलगते थाने में पहुँचते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मेरी छोटी बेटी प्रिया को बचा लीजिए पुलिस वाले जब दोनों को रोते बिलखते देखते हैं पहले दोनों को तसल्ली से बिठाती है और फिर उन दोनों से पूछताछ करती है तो रेशमा कहती है कि साहब रात्रि के करीब साढ़े ग्यारह बजे के आसपास मेरे घर पे प्रशांत गायकवाड आया था प्रशांत जिसकी उम्र है लगभग पैंतीस साल जो पूना शहर के थर गाँव का रहने वाला है रेशमा बताती है कि प्रशांत अपने दो दोस्तों के साथ मेरे घर पर आया था और मेरी बहन प्रिया को अपने साथ लेकर के चला गया लेकिन कहाँ लेकर के गया है हमें नहीं पता हमें डर है कि कहीं प्रशांत मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना कर दे जैसे ही दोनों इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं तो पुलिस रेशमा के तहरीर पर प्रिया के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद से प्रशांत की तलाश करना शुरू कर देती है पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है प्रशांत का जहां भी ठिकाना होता है हर जगहों पर जाकर पुलिस दबिश देती है लेकिन प्रशांत का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है आखिरकार अगले दिन 26 सितंबर 2020 को दोपहर के एक बजे के आसपास पुलिस वालों को एक सूचना मिलता है फ़ोन करने वाला व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब आदर्श नगर कॉलोनी के खाड़ी के पानी में एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है लेकिन साथ ही साथ इस बात की सूचना प्रिया की मां रेखा और उसकी बहन रेशमा को दे देती है घटनास्थल पर रेशमा और उसकी मां रेखा भी पहुंचती है पुलिस जब उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालती है रेखा और उसकी बेटी रेशमा जब उस डेड बॉडी को देखती है देखते ही चीख चीख करके रोने लगती है पुलिस जब इन दोनों को रोते भी लगते देखती है तो पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रिया है पुलिस जब प्रिया की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था पुलिस सबसे पहले प्रिया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर प्रशांत के विरोध में ही पहले तो अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था अब धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर प्रशांत की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन प्रशांत का कहीं कुछ पता नहीं चलता है इसीलिए पुलिस भी अब अपने जीत पर उतर जाती है और अपने खबरियों को काम पर लगा देती है आखिरकार अगले दिन सत्ताईस सेप्टेम्बर दो को एक खबरी थाने में पहुँचता है और पुलिस वालों को सूचना देता है कि साहब प्रशांत अपने गांव में पहुंचने वाला है शाम के करीब तीन बजे के आसपास तीन बजे से पहले ही पुलिस वहां पे अपना जाल बिछाती है और प्रशांत को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर प्रशांत से प्रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है पहले तो प्रशांत पुलिस वालों से इधर उधर की बातें कहता है लेकिन पुलिस जैसे ही प्रशांत के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है अब प्रशांत के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है प्रशांत के पिता का नाम सूर्यकांत गायकवाड़ सूर्यकांत जो पुणे शहर के थर गांव का रहने वाला एक बेहद ही रईस व्यक्ति है सूर्यकांत की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ जा चुकी है प्रशांत अपने माता पिता का इकलौता संतान है इसलिए सूर्यकांत भी प्रशांत को बड़ी लाड प्यार से परिवश करता है लेकिन प्रशांत जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है सूर्यकांत अपने बेटे की अपने ही रिश्तेदारी में खूबसूरत लड़की से शादी कर देता है प्रशांत जब शादी कर अपनी पत्नी को घर लेकर आता है अपनी पत्नी के साथ बेहद ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है प्रशांत की पत्नी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत प्रशांत अपनी पत्नी के साथ देखते ही देखते लगभग चार साल का समय गुजार देता है इन चार सालों में प्रशांत दो बच्चों का पिता भी बन जाता है प्रशांत की पत्नी होने के बावजूद भी प्रशांत की एक कमजोरी होती है प्रशांत जब भी किसी खूबसूरत महिला या किसी लड़की को देखता है अपने आप को नहीं रोक पाता है और फिर उस खूबसूरत महिला के पास खींचे चला जाता है इसलिए शादी के बावजूद भी प्रशांत का कई महिलाओं के साथ में संबंध चलता है एक दिन प्रशांत जब अपने दोस्त के शादी समारोह में जाता है तो प्रशांत की उसी शादी समारोह में प्रिया से मुलाकात होती है दरअसल उस शादी समारोह में प्रिया अपनी माँ और अपने बहन के साथ में गई थी उस शादी समारोह में जब प्रशांत पहली बार प्रिया को देखता है तो प्रिया की खूबसूरती देख देख्ट प्रशांत अपने आप को नहीं रोक पाता है उस शादी समारोह में प्रिया जब तक रहती है प्रशांत उसके आगे पीछे ही घूमते रहता है प्रशांत कोशिश तो करता है प्रिया से बातचीत करने के लिए लेकिन प्रशांत को कोई मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो प्रिया से बातचीत कर सके इसीलिए प्रशांत अपने दोस्त से बातचीत करता है और उसका दोस्त प्रशांत का प्रिया और उसकी माँ और बहनों से परिचय करवा देता है उसके बाद से प्रशांत प्रिया से बातचीत ही नहीं करता है बल्कि शादी समारोह से प्रिया उसकी माँ और उसके बहन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हुए और तीनों को उनको घर छोड़ने के लिए जाता है प्रशांत जब तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा उन्हें घर ले जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में प्रशांत उनसे बड़ी बेहतर तरीके से बातचीत करता है इतने बेहतर तरीके से बातचीत करता है कि उसकी बातें कहीं ना कहीं प्रिया की माँ को पसंद आ जाती है जब तीनों को घर पे छोड़ जाता है तो प्रिया की माँ प्रशांत से कहती है कि कभी टाइम हो तो हमारे घर पे चाय नाश्ते के लिए आओ प्रशांत यही तो चाहता था प्रशांत वहाँ से घर तो चला जाता है लेकिन प्रशांत प्रिया से मिलने के लिए उतावला उठता है प्रशांत सोचता है कि अगले ही दिन वो प्रिया से जाकर मुलाकात करे लेकिन प्रशांत फिर से सोचता है कि अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो कहीं मामला बिगड़ ना जाए जैसे तैसे प्रशांत एक सप्ताह का समय गुजरता है एक सप्ताह बाद प्रिया से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है लेकिन खुशकिस्मती से जब प्रशांत प्रिया के घर पर जाता है तो उस वक्त प्रिया के घर पर ना तो उसकी माँ होती है और ना ही उसकी बहन होती है प्रिया अकेले ही अपने घर पर होती है उस वक्त प्रशांत जब प्रिया के घर पर जाता है घंटों देर तक बैठ प्रिया से बातचीत करता है अपने बारे में बताता है लेकिन प्रिया से ये नहीं बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ बातचीत करते करते आखिरकार प्रिया से उसका मोबाइल नंबर ले, ले लेता है उसके बाद से प्रिया और प्रशांत के बीच में अक्सर फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू होता है नतीजा इसका ये होता है कि बातचीत करते करते आखिरकार प्रिया और प्रशांत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से प्रशांत अक्सर प्रिया के घर पे जाता है उसे घुमाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है मॉल में ले जाता है महंगे महंगे शॉपिंग भी कराता है लेकिन दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं आखिरकार प्रशांत अपने असली रूप में आ जाता है और एक दिन प्रिया से संबंध बनाने की बात कहता है लेकिन प्रशांत जैसे ही प्रिया से संबंध बनाने की बात कहता है प्रिया उसे साफ़ साफ इनकार कर देती है कहती है कि जब तक हम शादी नहीं कर लेते हैं तब तक हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे प्रशांत अपनी तमाम कोशिश कर लेता है लेकिन प्रिया उसकी बात नहीं मानती है अब प्रशांत को भी लगने लगता है कि शायद प्रिया उसकी कभी बात नहीं मानेगी इसीलिए अब प्रिया से संबंध बनाने के लिए प्रशांत एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत अपने घर से अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज देता है और फिर प्रिया को अपने घर पर बुलाता है जरूरी बातचीत करने के लिए प्रिया जब प्रशांत के घर पर जाती है उससे पहले ही प्रशांत एक जूस में नसीली दवाइयाँ मिला चुका था प्रिया जैसी वहाँ पहुँचती है वो जूस प्रिया को दे देता है और प्रिया जैसी उस जूस को पीती है प्रिया तुरंत ही नशे की हालत में हो जाती है उसके बाद से प्रशांत नशे के हालत में ही प्रिया से संबंध बनाता है लेकिन प्रिया जैसे ही होश में आती है जब उसे मालूम चलता है कि नशे की हालत में प्रशांत ने उसके साथ में संबंध बना लिया है इस बात पर प्रिया काफ़ी नाराज़ हो जाती है गुस्से में वहाँ से अपने घर ते चले जाती है लेकिन उसके बाद प्रिया को बहुत जल्द ही मालूम चल जाता है कि प्रशांत ऑलरेडी शादी शुदाई नहीं है बल्कि उसके दो बच्चे भी हैं प्रिया को जैसे ही प्रशांत के बारे में असलियत मालूम चलता है प्रिया उसकी माँ और उसकी बहन काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और फिर देहू रोड थाने में जाते हैं और प्रशांत के विरोध में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देते हैं जिसके वजह से पुलिस प्रशांत को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है देखते ही देखते लगभग दो साल का समय गुजर जाता है प्रशांत जब जेल से बाहर आता है प्रशांत को अब डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल उसे सजा जरूर होकर रहेगी इसीलिए अब प्रशांत समझदारी से कदम उठाता है और प्रिया के घर पर जाता है उसकी माँ और उसकी बहन से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिया से ही शादी करना चाहता हूँ प्रशांत जैसी इस तरह की बातें प्रिया की माँ से कहता है तो प्रिया की माँ भी कहती है कि तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो तुम मेरी बेटी के साथ कैसे शादी कर सकते हो इस पर प्रशांत कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूँगा और फिर प्रिया से शादी कर लूँगा प्रशांत जैसी इस तरह की बातें कहते हैं प्रिया की माँ भी प्रशांत पे फिर से भरोसा कर लेती है उसके बाद से प्रशांत फिर से प्रिया के साथ में इधर उधर पहले के जैसे ही घूमना फिरना शुरू कर देता है घूमना फिरना शुरू ही नहीं करता है बल्कि दोनों के बीच में पहले जैसे ही संबंध बनना शुरू हो जाता है लेकिन इस बार प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है प्रिया जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है अब प्रशांत के ऊपर शादी का दबाव डालना शुरू कर देती है लेकिन प्रशांत हर बार प्रिया को ये कह कर करके कर टाल देता है कि अभी मेरी पत्नी के साथ में तलाक नहीं हुआ है और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरी पत्नी से तलाक हो जाए लेकिन तब तक इधर प्रिया एक अपनी बच्ची को जन्म दे देती है और उसकी बच्ची लगभग दो महीने की हो जाती है दो महीने के बच्ची होने के बावजूद भी प्रिया जब प्रशांत से शादी का दबाव देती है प्रशांत उसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है तब प्रिया और उसके घर वालों को लगता है कि प्रशांत उसके साथ धोखा दे रहा है इसीलिए प्रिया और उसके घर वाले महिला आयोग से जाकर मुलाकात करते हैं और महिला आयोग में जाकर Earth... प्रशांत की शिकायत कर देते हैं महिला आयोग में जैसे ही जाकर प्रशांत की शिकायत करते हैं महिला की टीम पूरे प्रशांत के घर पर पहुँचती है लेकिन महिला की टीम जब प्रशांत के घर पर पहुँचती है तो उस वक्त बदकिस्मती से प्रशांत अपने घर पर नहीं होता है उसके घर पर सिर्फ उसकी पत्नी और दोनों बच्चे ही थे महिला टीम जब प्रशांत के घर पे जाती है उसके घर पे काफ़ी तोड़फोड़ करती है और साथ ही साथ उसके पत्नी को धमकी देते हुए कहती है कि जब तुम्हारा पति आए तो उसे साफ साफ कह देना कि वो प्रिया से जल्द से जल्द शादी कर ले और उसकी बच्ची को अपना नाम दे वरना अगर हम दोबारा यहाँ आए तो ये फिर तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा महिला आयोग की टीम वहाँ से वापस तो चली जाती है लेकिन उसके बाद से प्रशांत की पत्नी इस बात से काफ़ी डर जाती है शाम के वक्त जब प्रशांत अपने घर पर जाता है तो उसकी पत्नी प्रशांत को आड़े हाथों ले लेती है और उसे काफ़ी फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही प्रशांत की पत्नी गुस्से में आकर अपना सामान पैक करती है और अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है लेकिन प्रशांत की पत्नी जैसे ही मायके चली जाती है इस बात से प्रशांत काफ़ी गुस्से में आ जाता है प्रशांत को लगता है कि शायद प्रिया की वजह से उसका पूरा परिवार अब उजड़ने के कगार पर आ गया है इसीलिए प्रशांत भी जल्दबाजी में एक फैसला ले लेता है प्रशांत को लगता है कि ना प्रिया रहेगी और ना ही मेरा परिवार उजड़ेगा तो क्यों ना प्रिया को इस दुनिया से हटा दूं इसीलिए प्रिया को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है और इसी षड्यंत्र के तहत 25 सितंबर 2020 को रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास प्रशांत प्रिया के घर पे तो जाता है लेकिन साथ ही साथ अपने दो दोस्तों को भी लेकर जाता है जिसमें से एक का नाम विक्रम और दूसरे का नाम अभिजीत है तीनों ग्यारह बजे के आसपास प्रिया के घर पर पहुँचते हैं प्रशांत प्रिया को अपने साथ ले जाने की कहता है लेकिन उसके सामने प्रिया की माँ और उसकी बहन रेशमा खड़ी हो जाती है और प्रिया को साथ जाने से साफ मना करने लगती है तो प्रशांत अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती प्रिया को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसके घर से लेकर के रवाना हो जाता है और इसी आदर्श नगर कॉलोनी के खाड़ी के पानी के नज़दीक जाता है और प्रशांत प्रिया की गला दबा कर हत्या कर देता है और फिर उसके दोनों दोस्त प्रिया के एक पत्थर से बुरी तरीके से चेहरे को कुचल देते हैं उसके बाद से प्रिया की डेड बॉडी को पानी में फेंक देते हैं और फिर मौके से तीनों फरार हो जाते हैं वाकई में प्रशांत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस प्रशांत के ही तहरीर पर उसके दोनों दोस्त बिक्रम और अभिजीत इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धर्म में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत